आपका क्या सपना है? मेरा सपना है सरकार ऐसी बने जो हमें लोन प्रोवाइड कराए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मेरा समर्थन तो भाई ऐसे प्रत्याशी के लिए होगा जो हमने सपना देखा है वो पूरा हो सके। बस हम यही चाहते हैं, कुछ नहीं। सपने वो होते हैं जो हमें परेशानियों से लड़ने की ताकत देते हैं। सपने वो होते हैं जिनके लिए हम जीते हैं। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि हम सपनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है और 8 मार्च को वोटिंग होने वाली है। तो ये बेहद अहम हो जाता है कि यहाँ के युवा जो सपने देखते हैं उन सपनों को अब तक के जनप्रतिनिधियों ने कितना पूरा किया है। ये सपने सिर्फ सपने ही रह गए और सपनों के सौदागर विधानसभा में तो पहुँचे लेकिन खुद के सपनों को पूरा करने में लग गए। तो आज हम हैं ग्लोबस कॉलेज में और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो जो सपने उनको दिखाए गए थे, सपनों के जिन सौदागर ने उनसे सपनों की बात करके उनका वोट लिया था, तो क्या वो सपने पूरे हुए और अभी भी इनके सपने जो हैं क्या वो मौजूदा विधायक पूरा कर सकते हैं और उनसे कितनी उम्मीद है? क्या सपने हैं आपके? जी मैम, सपने यही थे कि हमें एक अच्छी पढ़ाई का माहौल मिले और अगर खेल कूद के मैदान में अगर जिससे विद्यार्थी को जाना है तो उसके लिए एक अच्छी सुविधा मिले कि वो खेल कूद में आगे बढ़ सके। कॉज ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे का दिमाग पढ़ाई पर जा रहा हो, अगर पढ़ाई पे नहीं वो खेलकूद में जाना चाहते हो तो बहुत छोटे छोटे शहर से भी खेलकूद के जो होते हैं प्लेयर्स होते हैं वो बहुत जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम चाहते थे कि एक खेलकूद के लिए कुछ फैसिलिटीज़ मिले ताकि बच्चों को जो उसमें जाना चाहते हैं वो उसको अच्छा कर सके खेलकूद में। आपके सपने क्या हैं? हमारे सपने मैम ये हैं कि देश का विकास हो और साथ साथ हमारा विकास हो जाएगा। देश का विकास जब होता है तो उसमें युवाओं का विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका क्या सपना है? मैम यही कहना चाहूँगा जो भी मेरे भाई ने कहा, जो बातें खेल के लिए मिर्ज़ापुर में, शायद हमारे मिर्ज़ापुर में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनके अंदर वो प्रतिभा भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है या ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता हमारे बड़े ऑफिसर्स के द्वारा या विधायकों के द्वारा कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद मिर्ज़ापुर में ऐसी प्रतिभा है जो पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। सो आगे इसके बारे में सोचना चाहिए इन सभी बड़े नेताओं को जिससे हम लोग भी आगे बढ़ पाएँ। यहाँ के युवा कहते हैं कि अगर शायद प्रोत्साहन मिले और थोड़ा सा अगर बढ़ावा यहाँ के जनप्रतिनिधि दें तो शायद यहाँ मिर्ज़ापुर से भी सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ ही आजकल युवाओं के बहुत चर्चित और बहुत लोकप्रिय विराट कोहली जैसे यहाँ के युवा भी निकल सकते हैं और शायद उनकी झलक भी मिर्ज़ापुर से जा सकती है। क्या है आपका सपना? मैम मेरा सपना यही है, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आज के टाइम पे मीन्स हमारे पढ़ने लिखने का जो है वो जो मतलब लड़कियों को जो नहीं मिल पा रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए। मीन्स लड़कियों के लिए एक अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए जिसमें वो अच्छे से अच्छी मतलब अपनी एजुकेशन को पूरी कर सके। और बहुत सारे लोग हैं मीन्स मतलब बाहर लड़कियों को भेज नहीं पाते पढ़ने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो हमें यही चाहिए कि मतलब हमारे मिर्ज़ापुर में कोई अच्छा ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट या कॉलेज हो जिसमें लड़कियाँ भी अपना फ्री माइंड होकर अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट कर सकें। अगर यहाँ पर बेहतर इंस्टीट्यूट हो तो शायद शिक्षा का स्तर और ऊपर उठेगा और यहाँ के जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए और आगे आएंगे। आपका क्या सपना है यहाँ पर? मेरा सपना है कि मैं एक अपना बिजनेस डालना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम लोन चाहते हैं, अच्छा लोन चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट अपने सरकार से चाहते हैं, तो सरकार ऐसी बने जो हमें लोन प्रोवाइड कराए। यानी अगर रोज़गार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी ज़रूरत है जो यहाँ पे नहीं है और उसको लाने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या ज़रूरत है, आपकी क्या सपने हैं? मैम मेरा सपना है कि मैं कुछ अपने घर के लिए अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। मैं पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का समय है और जैसा कि इलेक्शन के समय सारे नेता लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जब ख़त्म होता है तो कोई हम लोग के बारे में सोचता है ना कोई देखता है। जब इलेक्शन होता है तभी सब आते हैं। तो मैं इस सभी नेताओं से जो कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हम लोग को वोट दे रहे हैं तो काफ़ी हम लोग के बारे में सोचिए, हम लोग के विकास के बारे में सोचिए। यहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाहिए जिससे कि उन लोग को जो है जॉब मिल सके और वो यहाँ पे जो है काम कर सकें। यहाँ पे मल्टी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपके यहाँ के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से अपना छोड़ के बाहर जा रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्स और बड़े बड़े कोर्स करने के लिए, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन करना बहुत आवश्यक हो गया, ज़रूरी हो गया है। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलने तो पहले खुलेगा तो फिर इससे आपको। अगर आप अपना वोट किसी प्रत्याशी को दे रहे तो आपकी उम्मीदें उनसे क्या हैं? उम्मीदें तो बहुत कुछ होती हैं, बस ये होना चाहिए
चाहिए कि नेता लोग जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करना चाहिए। जैसे कि हम कहना चाहेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, वो भी वादा किए थे एक ठो कि 50 दिन का मौका मांगे थे नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद यहाँ पे कोई उनका मतलब कि कुछ दिखा नहीं। नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था 50 दिन बाद आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन नोटबंदी के बाद यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को लाइन में लगवा के। ये चलो सिया जी, वो बताएं कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुल गया है, बट वो स्टार्ट कब से होगा हमें नहीं पता है, उसमें क्या होगा कैसा होगा नहीं पता। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से मतलब वो स्टार्ट होना चाहिए, हमें उसमें सुविधा मिलना चाहिए। ये इंजीनियरिंग कॉलेज हम मानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज आप खुलवा दिए, कोई भी कॉलेज वो स्टार्ट होना चाहिए, उसमें क्या है क्या सुविधा मिलना चाहिए हमको। बस हमारा यही है कि हमें जो लोग बच्चे जो बाहर जाने इलाहाबाद बनारस लखनऊ एजुकेशन के लिए, मिर्ज़ापुर भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे मिर्ज़ापुर में रहकर एजुकेशन कर सकें। जैसे कि आज हमारे बगल में हम कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं जबकि चाइना को कोई नहीं देखता, और आज चाइना कितना आगे निकल चुका है। हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था और वो 49 में, लेकिन आज हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे है। एजुकेशन हमारे मामले में एकदम नीचे स्तर पर है और अभी तक सुधर नहीं पाया। आज के 70 साल हो गए हमारे देश के आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ से हम बीटेक कर सकें, या फिर हमें दिल्ली या फिर बेंगलोर ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे डिग्री ले लेते हैं, तो फिर हमें पता नहीं रहता कि ये रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से या नहीं है। तो फिर ऐसे स्टूडेंट भटक जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी लाइफ बस 8,000-10,000 पे ही रुकी रह जाती है। मिर्ज़ापुर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्या काम करना चाहिए? ऐसे हम पहले से बता देते हैं कि यहाँ की जो पढ़ाई स्तर है सबसे ज़्यादा शिक्षा स्तर को सुधारना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में ऐसा ही कोई बच्चा नहीं है कि जो एजुकेशन लेता हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, कि मतलब कि हम कहने का मतलब है कि हर एक घर में हर एक बच्चे को सही शिक्षा और सही शिक्षा के अधिकार मिलना चाहिए, और उनके साथ शिक्षा के साथ साथ उनको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी तैयार करना विकास होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे देश का भी विकास हो सके। और रही बात हमारे एजुकेशन शिक्षा की, तो हमें हर तरीके से शिक्षा लेना चाहिए, और आगे हमारे पढ़ने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे कॉलेज खुलने चाहिए, ताकि हमको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मिर्ज़ापुर का विकास माना जा रहा है कि इस वजह से भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ के जो युवा थे वो बाहर जा रहे हैं, यानी उनका पलायन जारी है। तो अगर यहाँ पे विकास होता तो वो रुक जाते, इस बात से कितना सहमत है? मैम ऑफकोर्स ये अगर हो जाता है तो यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे रुक ही जाएंगे, बिकॉज अगर उन्हें जाने की जरूरत ना पड़े तो यहाँ पे अगर उनको किसी को घर में कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो घर पे ही रुकना बेहतर समझेगा। वो घर के पास है, वो घर के साथ रह के पढ़ रहा है, वो बाकी सारे जितने भी उसके काम है जिम्मेदारियां वो साथ में रहते हुए अपना विकास कर लेगा और बाकी और भी काम संभाल सकता है वो। मिर्ज़ापुर बनारस और इलाहाबाद के बीच में आता है, लेकिन विकास के मामलों में दोनों ही ज़िलों से बहुत ही पीछे है, बैकवर्ड है। इसके बावजूद इसको बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, तो अगर ये डिक्लेयर्ड हो जाता है तो शायद यहाँ पे रोज़गार, इंडस्ट्री और शिक्षा के लिए काम हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इसको बैकवर्ड डिक्लेयर करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ के हमारे जो नेताजी लोग हैं ये नहीं करने देंगे। इस मामले से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जो काम है, जो उनको पता है कि हम जिस चीज़ के लिए चुने गए हैं, वो काम मुझे जाके उस क्षेत्र में करना चाहिए। और इसके लिए मिर्ज़ापुर में तो मैं विशेष कहना चाहूँगा कि आज तो मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर से तो बहुत बड़े बड़े लोग चुने जा चुके हैं, जो जाके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, हमारे मंत्रालयों में बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर इतना पीछे है, लगता नहीं कि यहाँ से ऐसे बड़े बड़े लोग चुने जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक दिल से या मन लगा के काम कर रहे हैं। राजनीति जिस तरीके से विकास पर हावी हो रही, कितना सही है यहाँ के युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सही नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सब लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन किसी को पूरी तरफ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। हम चाहते हैं अगर फैक्ट्री लग जाए तो जो बाहर जाके जॉब करते हैं 8,000-10,000 वो यहाँ करें, इससे हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप 8 मार्च को वोट देने जा रहे हैं तो क्या उम्मीदें हैं आपकी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? हाँ, ये सच है कि हम 8 मार्च को वोट देंगे, लेकिन हमें जैसे नाना प्रकार की पार्टियां हैं, लेकिन हमें स्वयं पे विश्वास करना चाहिए। जैसे कि हम पार्टियों पे दोष देते हैं कि ये पार्टी ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मानना है कि हर नागरिक को अब स्वयं पे विश्वास रखना चाहिए, यानी कि वो क्या कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखता, हमें ये महत्व रखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से तो बहुत सी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन सब उम्मीदों पर पाँच साल के बाद पानी फिर जाता है। या एक समय ऐसा था कि यहाँ पे 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सुजीत सिंह डंग, ओम प्रकाश सिंह और राजनाथ सिंह। तब के ज़माने में जब यहाँ पे विकास नहीं हो पाया तो आज एक राज्य मंत्री के माध्यम से क्या विकास हो सकता है। और यहाँ के
एक नेता तो ऐसे थे कि जो कि उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज केंद्र के समय में मुख्यमंत्री गृहमंत्री हैं। अगर वो मिर्ज़ापुर को जो मौजूदा हालत में विकास की स्थिति है, जैसे कि तमाम प्रकार के नेता हैं, जैसे मुलायम सिंह अपने जिला को देख रहे हैं, मायावती अपने जिला को देख रही हैं, अगर उस हिसाब से राजनाथ सिंह तिरछी नज़र से अगर मिर्ज़ापुर को देख लें तो मिर्ज़ापुर की भविष्य को चार चांद लग जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। राजनेताओं ने जिस तरीके से मिर्ज़ापुर की उपेक्षा की उससे यहाँ के युवाओं में नाराज़गी है, और एक बहुत बड़ी बात कही कि मिर्ज़ापुर आज़ादी की जंजीरों, आज़ादी तो मिल गई और जो जंजीरें गुलाम की बेड़ियाँ जो पैरों में पड़ी थी वो तो खुल गई, लेकिन जो पिछड़ेपन की बेड़ियाँ अभी भी मिर्ज़ापुर के पैरों में पड़ी हैं, आखिर वो कब खुलेंगी? 8 मार्च को वोट होने वाला है, जनता वोट देने वाली है, लेकिन ये विकास कब होगा? आप कितनी उम्मीदें हैं आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल मिर्ज़ापुर की बात नहीं है, हम अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम एक CM चुनने जा रहे हैं जो कि ओवरऑल यूपी को कमांड करेगा। यहाँ पे अगर रोज़गार की जाए तो सबसे रश्ट है हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वहाँ पे आप पता करोगे तो रोज़ अनशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी है उस पर फोकस करना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वहाँ से रिक्रूटमेंट होता है मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोवर्सीज में होती हैं। कितना काम करना चाहिए यहाँ की युवाओं के लिए? और यहाँ बहुत ज़रूरत है, यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत प्रतिभावान छात्र एवं छात्राएं यहाँ मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी प्रतिभा दिखाने का। जैसे पर्टिकुलर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट से IT और मैनेजमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं हर साल, उनके पास नॉलेज भी है टैलेंट भी है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है, लखनऊ दिल्ली बॉम्बे इधर भागना पड़ता है, तो ये बहुत सबके लिए सही नहीं है। आपके हिसाब से मिर्ज़ापुर में और कितना काम किया जाना चाहिए युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? मिर्ज़ापुर में सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि अगर इस मिर्ज़ापुर को ला दिया जाए, सेज होता है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, अगर जहाँ पे जिस जगह पे सेज घोषित किया जाता है वहाँ पे होता है 10 ईयर्स के लिए इंडस्ट्री को टैक्स फ्री हो जाता है, तो अगर ये मिर्ज़ापुर में अगर सेज ला दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री जाएंगी, जिससे क्या होगा युवाएँ बहुत ज़्यादा रोज़गार होंगे और रोज़गार के साथ साथ उन लोग को अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और इंडस्ट्री के बहाने हमें लगता है कि कोई कोचिंग्स भी अच्छे अच्छे आएंगी। बेसिकली मैं तो यही मांग रखूंगी कि जैसे लड़कियों को जो है इंटर के बाद बाहर जाने को नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे लड़कियों को बाहर जो है ना जाना पड़े, वो अपने शहर में रह कर के ही पढ़ सकें यहाँ पे। आपको अगर मांग करनी हो तो जो विधायक यहाँ से आने वाले हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैम हम कहना चाहेंगे कि वो लड़कियों को प्रोटेक्शन दें, और जैसे पेरेंट्स उन्हें जाने नहीं देते बाहर की। आपके लिए आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए गर्ल्स फॉर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन और उनके जॉब के लिए? जॉब की फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पढ़ के निकलते हैं, इतना अच्छा कोर्स पैसे लगा के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं जॉब मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने को परमिशन नहीं मिलता तो सारी स्टडी वेस्ट हो जाती है, यहीं पढ़ लिख के भी घर में रह जाते हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जॉब हम लोग को मिल सके यहाँ पर मिर्ज़ापुर में ही। कोर्स करने के बाद एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है जॉब की, लेकिन यहाँ मिर्ज़ापुर में जॉब नहीं है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तभी जख्मों पर मरहम लगाने का जो ख्याल जनप्रतिनिधियों को आता है, प्रत्याशियों को आता है, वो चुनाव के वक्त क्यों आता है? आखिर 5 साल का कार्यकाल होता है तो उस दौरान भी उन्हें जनता के जख्म दिखने चाहिए, उनका दर्द दिखना चाहिए और उनकी तकलीफ दिखनी चाहिए, तो ये बेहद ही अब सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ के जो युवा वोटर हैं, यानी जो ग्लोबस कॉलेज के युवा वोटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, शायद वो अब जाग चुके हैं और ये सियासी जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि इस बार यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किसी बहकावे में नहीं आने वाले, किसी झांसे में नहीं आने वाले, और अगर आप विकास करेंगे, ये प्रत्याशियों को शायद ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे विकास की बात करेंगे तो हम आपके भविष्य की बात करेंगे, यानी अगर इस बार युवाओं की बात होगी, उनके विकास की बात होगी, तो ही उन्हें जनता यानी यहाँ के जो वोटर्स हैं वो वोट करेंगे, ताकि वो विधानसभा में जाएं और यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार, शिक्षा जैसे बड़ी सौगात लाकर उनका विकास कर सकें।